डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11.1 है, क्लास 5 का ही मैथ है और ये चैप्टर जो है लॉस एंड प्रॉफिट इस चैप्टर में दिया हुआ है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें दो एक्सरसाइज है, तो चलिए फर्स्ट में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 को कम्प्लीट करवा देता हूँ। वन नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको बनाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इतना रुपीस, कॉस्ट प्राइस मतलब है कि ये CP है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का जो मूल्य होता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, एंड सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का जो मूल्य होता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। इतना रुपया में बेच दिया, इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया, देन द प्रॉफिट गेन इज, तो फिर उसको प्रॉफिट क्या हुआ। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वन नंबर है, वन नंबर का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले CP दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। CP इक्वल टू क्या हो गया, रुपीज 24100, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब SP दिया हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिया हुआ है रुपीज 25000। यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ इतना में खरीदा है मतलब खरीदने का कीमत कम है और बेचने का कीमत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट यहाँ निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का फार्मूला लिख लेना है, क्योंकि स्टूडेंट आज के टाइम में सारे फार्मूले जो है रट के याद नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए। प्रॉफिट इक्वल टू, तो जो ज़्यादा है SP, ठीक है, SP माइनस CP, ये हो गया। तो SP मेरा क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इक्वल टू 25000 माइनस हो जाएगा 24100, ये है। इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे बगल में माइनस कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, 25000 और 24100, इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 0 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 1 तो 9 यहाँ हो गया, 4 तो कुछ नहीं रहेगा और ये कुछ नहीं रहेगा, मतलब है कि 900। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना हो गया, रुपीज़ 900, और ये 900 जो है वो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ ए नंबर में 900 रुपीज़। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको ए लिख सकते हैं और 900 लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया इसका आंसर। सेकेंड में देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 680 एंड प्रॉफिट इज रुपीज 50। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास है उसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो हम लिखते हैं SP इक्वल टू रुपीज 680, ये हो गया। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, रुपीज़ 50। इसका मतलब है कि ये इतना में बेचा, इतना में बेचने पर उसको इतना प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि इससे कम में, मतलब इससे इतना कम में वो खरीदा था, जो कि हमें निकालने के लिए कह रहा है CP। CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP से हम प्रॉफिट को हटा देंगे तो CP हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे SP माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरे पास है SP जो है 680 है, इक्वल टू 680 माइनस 50, ये हो गया। तो इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 80 में से 50 चला गया तो 30 बच जाएगा, इसका मतलब है कि ₹630, यहाँ पे 630 कितना नंबर का ऑप्शन में है देख सकते हैं, यहाँ पे 630 जो है देखिए C नंबर का ऑप्शन में है, इसका मतलब है कि इसका आंसर C हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वन नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब SP क्या होगा, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इतना एंड प्रॉफिट इज इतना। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 नंबर का। सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है CP, CP दिया हुआ है ₹30, ₹50, ये हो गया। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू ₹250। अब यहाँ पे हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो CP और प्रॉफिट दोनों ऐड हो जाता है तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो यहाँ पे SP इक्वल टू हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट,
इसको ऐड कर लेते हैं। मेरे पास सीपी है ये 30-50 प्लस प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 250। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं। अब यहाँ पे जीरो और जीरो तो क्या हो गया, जीरो ही होगा, और फाइव और फाइव 10 हो गया, 10 पे जीरो, वन बचा हुआ है, यहाँ टू है, और हाथ वाला यहाँ जीरो है और टू, तो टू हुआ और हाथ वाला मिला के थ्री हुआ, थ्री और ये थ्री बचा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3300 रुपीज़। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे सी नंबर में, ये सी नंबर का ऑप्शन होगा, बी नंबर का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया वन नंबर का। टू नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ ऑलरेडी सुविधा के लिए जो है लॉस 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 प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है, क्या लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा यहाँ से निकालना है। तो फर्स्ट नंबर में जो है यहाँ पे हम टू नंबर ले लेते हैं, यहाँ टू नंबर लेते हैं, ठीक है। यहाँ टू हो गया और टू का वन पार्ट, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सीपी जो है वो ज़्यादा है, इतना रुपया में ख़रीदता है और इतना रुपया में बेच देता है, मतलब ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, इसका मतलब लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम लॉस का फार्मूला लिखते हैं, लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, फार्मूला आपको बार बार लिखना है। तो यहाँ पे सीपी मेरे पास है 840 और एसपी है 630। तो क्या लॉस हो जाएगा, रुपीज़ यहाँ पे माइनस करते हैं, सबसे पहले ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे फोर में से थ्री तो वन, और एट में से सिक्स तो टू हो गया, मतलब रुपीज़ 210, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। उसके बाद सेकंड नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर, यहाँ पे सेम कंडीशन है, ख़रीदने का कीमत जो है ज़्यादा है और बेचने का कीमत जो है वो कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला लगेगा, लॉस हो रहा है तो लॉस का फार्मूला लगा देते हैं, और यहाँ पे सीपी ज़्यादा है तो सीपी पहले रखेंगे, सीपी माइनस एसपी। अब सेम टू सेम वही रहेगा, क्या दिया हुआ है, सीपी 245 माइनस 220। तो यहाँ पे रुपीज़ कितना हो गया, फाइव में से ज़ीरो तो फाइव बचेगा, और फोर में से टू तो टू, और टू में से टू चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब है कि रुपीज़ 25। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, लॉस इतना हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद थ्री नंबर, टू नंबर का थ्री हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जो है क्या है, सीपी 945 और एसपी 850, मतलब सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम लॉस लिखते हैं, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये हो गया। तो एसपी सीपी है मेरे पास है 945 और एसपी है 850, ये माइनस कर देते हैं तो जो आएगा रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं, फाइव में से ज़ीरो तो फाइव हो गया, उसके बाद यहाँ पे फोर है और फाइव, तो यहाँ से कैरी ले लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ से कैरी लिया 14, 14 में से फाइव तो कितना हो गया, नाइन, नाइन फाइव 14 होता है, नाइन हो गया, और यहाँ एट बच गया, यहाँ भी एट है तो खत्म हो गया, ज़ीरो हो गया, तो 95, इसका मतलब है कि लॉस कितना हुआ, 95 रुपीज़। ये कंप्लीट हो गया। एक लास्ट पार्ट है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सीपी जो है ख़रीदने का कीमत कम है और बेचने का कीमत ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में क्या होता है, बेचने की कीमत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, बेचने की कीमत माइनस ख़रीदने की कीमत। तो यहाँ पे हमारे पास एसपी जो है वो दिया हुआ है 205, माइनस हो गया 180, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये सिंबल दे दिए हैं रुपीज़ का, और फाइव में से ज़ीरो तो फाइव, और यहाँ पे हो गया, घटने वाला नहीं है तो यहाँ पे हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा उसमें से 8 तो यहाँ पे हो गया 2, 10 में से 8 तो 2 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 तो 1 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थ्री नंबर का, क्वेश्चन नंबर थ्री, और यहाँ पे फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी यहाँ पे निकालना है, जब यहाँ पे एसपी निकालना है जब सीपी इतना हो और प्रॉफिट इतना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी और प्रॉफिट को जब हम ऐड कर देते हैं तो एसपी निकलता है। चलिए यहाँ थ्री नंबर हम ले लेते हैं, थ्री नंबर, और उसका फर्स्ट पार्ट है ये,
तो यहाँ पे सीपी और प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो हमें निकालना है एसपी। तो हम ये एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो सीपी मेरे पास है क्या है, सीपी 955, ये है प्रॉफिट कितना है 155, ये हो गया 0.90 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, रुपीज़ में आएगा। तो यहाँ पे हम 955 यहाँ पे रफ कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0 करते हैं और यहाँ पे 155.90, तो यहाँ पे 0 प्लस 9 पॉइंट हो गया, 5 5 10 के 0 1 बच गया, 5 5 10 और 1 11 हो गया, फिर 1 बच गया है तो 9 और 1 10 हो गया और हाथ वाला 11 हो गया, मतलब रुपीज़ 1110.90 90। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट, यहाँ पे है सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब इन दोनों में सेम कंडीशन है, तो हम सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे निकालना है, सब में हमें एसपी निकालना है, एसपी इक्वल टू तो सीपी प्लस हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 2005 प्लस हो जाएगा 145, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं रुपीज़, तो यहाँ 5 5 10 हो गया, 10 1 बच गया है तो 4 और 0 4 होगा और 1 हाथ वाला 5 हो गया। उसके बाद 1 और 0 तो 1 होगा, उसके बाद 2 2150, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर लेते हैं, थर्ड पार्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है सीपी और लॉस दिया हुआ है, ठीक है। सीपी मतलब इतना में खरीदा और उसको फिर लॉस हुआ बेचने पर, इसका मतलब है कि इससे वो कम में बेचा। तो यहाँ पे हम एसपी निकालेंगे, लॉस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना जो दिया हुआ है इससे कम में बेचा, मतलब इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, जो लॉस हुआ उसको माइनस कर देने से हमें एसपी निकल जाएगा, ये मिल जाएगा ये। तो सीपी दिया हुआ है 780.25 माइनस लॉस है 19.75, यहाँ पे रुपीज़ सिंबल दे देते हैं, जो आएगा आंसर वही यही होगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 780.25 और यहाँ पे 19.75, यहाँ पे माइनस है तो 0 हो गया, यहाँ 12 7, तो यहाँ 5 हो गया पॉइंट, और यहाँ 9 हो गया, 9 में 9 तो 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 7 में से 1 तो 6, और यहाँ पे 7, इसका मतलब है 760.50, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट है उसको ले लेते हैं, पार्ट फोर में यहाँ पे दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ, मतलब इन दोनों का कंडीशन सेम है, तो यहाँ पे हमें एसपी निकालना है, एसपी इक्वल टू तो एसपी में क्या है, यहाँ पे इतना में खरीदा और इतना लॉस करके बेच दिया, मतलब इससे कम पैसा में ही बेच दिया, तो यहाँ पे सीपी माइनस लॉस, फिर हमें मिल जाएगा एसपी। तो सीपी हमें दिया हुआ है 215 माइनस 39.50, तो यहाँ पे रुपीज़ जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देते हैं 215.00 और 39.50 माइनस, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 5 तो 5 बच गया, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लिए तो 14 हो गया, 14 में से 9 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ से कैरी लिए तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 तो यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे 1, मतलब 175.50, और यही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे कह रहा है मोहन बाउट ए टेबल फॉर इतना रुपीज़, बाउट मतलब खरीदा, तो खरीदा तो इसका मतलब है कि सीपी, सीपी हो गया ये, ही सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, तो उसने बेच दिया विथ प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना, इतना प्रॉफिट लेकर बेच दिया, मतलब जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचा, कितना ज़्यादा में, इतना ज़्यादा में बेचा, इतना प्रॉफिट हुआ उसको, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं,
और यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोल रहा है एसपी। तो सबसे पहले जो मेरे पास दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सीपी मेरे पास दिया हुआ है, सीपी इक्वल टू दिया हुआ है रुपीज़ 485, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉफिट मेरे पास दिया हुआ है, प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज़ 60.75। हमें निकालना है एसपी इक्वल टू, एसपी निकालना है तो सीपी और प्रॉफिट जब मिल जाता है तो एसपी बनता है प्रॉफिट के मामले में। तो यहाँ पे हम सीपी प्लस प्रॉफिट ये हो गया। तो सीपी हमारे पास तो है ही, सीपी 485 प्लस हो गया और ये 60.75, इन दोनों को हमें ऐड कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 485.00 रखते हैं और यहाँ 60.75, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ 7 पॉइंट और 50 5 हो गया, 86 14 हो गया, तो यहाँ पे 14 1 बच गया, तो 4 और 1 5 कितना हो गया 545.75 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को भी ले लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर, मतलब एक दुकानदार जो है एक चेयर को एक कुर्सी को बेचता है इतने रुपये में 550 एट ए लॉस, मतलब उसको लॉस होता है ऑफ 35 रुपीज़ का उसको लॉस होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, मतलब जितना मैं बेच रहा है उससे ज़्यादा में उसने ख़रीदा था। तो सबसे पहले जो मेरे पास दिया हुआ है उसको लिखते हैं। मेरे पास दिया हुआ है एस पी, एस पी इक्वल टू रुपीज़ हो गया 550 और लॉस मेरे पास दिया हुआ है लॉस इक्वल टू रुपीज़ 35। तो यहाँ पे सीपी निकालना है तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी लॉस कंडीशन में सीपी क्या हो जाएगा, सीपी मतलब है कि यहाँ पे इतना में बेचा और इससे ज़्यादा में ख़रीदा था, कितना ज़्यादा में, इतना ज़्यादा में ख़रीदा था, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एसपी प्लस सीपी हो जाएगा, प्लस लॉस हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे एसपी मेरे पास दिया हुआ है 550 प्लस लॉस 35, तो यहाँ पे 50 में 35 जोड़ देते हैं तो 50 और 30 80 और 585 हो गया 585। तो यहाँ पे रुपीज़ 585 और यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो 6 नंबर का क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 6 उसमें क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर अबाउट ए साइकिल, एक शॉपकीपर एक साइकिल को ख़रीदता है इतना रुपया में 1825 रुपीज़ में, इतना रुपया में ख़रीद लेता है ही सोल्ड और फिर उसको बेच देता है और लॉस में बेचता है, उसको लॉस होता है, इतना में ख़रीदता है लेकिन वो कम में बेच देता है, कम में बेच देता है इसलिए उसको लॉस हो जाता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल, कम में बेच देता है एस पी में निकालना। तो मेरे पास दिया हुआ है सी पी, ख़रीदने का कीमत दिया हुआ है 1825, ठीक है। अब लॉस जो है कितना हो गया, उसको लॉस इक्वल टू रुपीज़ 125, मतलब जितना में उसने ख़रीदा है उससे इतना और कम में बेच दिया, इतना का लॉस हो गया उसको। तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी माइनस लॉस हो जाएगा यहाँ पे लॉस। तो सी पी मेरे पास 1825 है और लॉस हो गया 125, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 5 में से 5 गया तो बचा क्या 0, 2 में से 2 गया तो बचा क्या 0, और 8 में से 1 गया तो बचा क्या 7, और 1 जो है 1 तो 1 रह जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 1700 रुपीज़, मतलब इतना में ही वह बेच दिया इसीलिए उसको इतना नुकसान हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 11.1। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।